नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल पांडे। राजस्थान की गहलोत सरकार को समर्थन देने वाले अलवर जिले के बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव अपनी मांगों को लेकर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई है। विधायक का कहना है कि युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की मांगों को लेकर दौड़ लगा रहे हैं। मैं स्वयं को तकलीफ देकर सरकार को बताना चाहता हूं कि आम जनता बहुत दुखी और परेशान है, उनकी समस्याओं का समाधान कर राहत पहुंचाई जाए, प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरियां दी जाए, इसके लिए कानून बनाया जाना जरूरी है। दरअसल पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वे लगातार सरकार के विरोध में खड़े हैं। इससे पहले उन्होंने 6 फरवरी को दूसरी बार जयपुर के सेंट्रल पार्क में 100 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। विधायक अपनी मांगों को लेकर इस बार 200 किलोमीटर के दायरे में काले कपड़े पहनकर विधानसभाओं में दौड़ लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने पहले जैसमेलर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामदेवरा से की। बाबा रामदेव के दर्शन कर रनिंग शुरू की। बहरोड विधायक ने काले कपड़े पहनकर बुधवार को प्राइवेट बस स्टैंड से गोल चौराहे तक अपने समर्थकों के साथ दौड़ लगाई, जो करीब 500 मीटर तक दौड़ लगाई। प्राइम न्यूज 24 से तेज सिंह राठौर की रिपोर्ट। अभी तक 30 विधानसभा हम कवर कर चुके हैं। 200 विधानसभा के मुख्यालय पर दौड़ने का मैंने विधानसभा में संकल्प लिया है, हमारी 14 सूत्री मांगों को लेके, जिसमें प्रमुख मांग है कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए राजस्थान सरकार एक कानून बनाए कि सरकारी भर्तियों में 90% से 100% राजस्थान के निवासियों को नौकरी मिलेगी, प्राइवेट कंपनियों में 75% तक मिलेगी, CHA के जो लोग हैं इनकी समस्याओं का समाधान करें, इनकी मांगों को पूरा करे सरकार, थर्ड ग्रेड टीचर है उनका ट्रांसफर से बैंक खोले सरकार, ये जो TSP एरिया में नॉन TSP के लगे हुए हैं उनको नॉन TSP में भेजे और TSP के लिए अलग से भर्ती खोले सरकार, 5 लाख सरकारी भर्ती अनाउंस करे, भर्ती कैलेंडर जारी करे कि किस डेट को एग्जाम होगी, किस डेट को रिजल्ट आएगा और किस डेट को ज्वाइनिंग मिलेगी, और जो पेपर लुटेरे हैं मेन उनमें बड़ी मछलियां हैं उनको सलाखों के पीछे भेजे सरकार। हमने सरकार से कहा एक खून की सजा अगर फांसी हो सकती है तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले इन पेपर लुटेरों को एनकाउंटर से उड़ा देना चाहिए सरकार के द्वारा, तभी जाके कंट्रोल हो सकते हैं। किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले, उसको पूरी बिजली मिले, खाद मिले, उसके खेत को पानी मिले, मजदूर को पूरी मजदूरी मिले, इसी तरह की भ्रष्टाचार पे कंट्रोल हो, सरकार इफेक्टिव कार्रवाई करे, सरकारी स्कूलों की दशा सुधारे, सरकारी स्कूलों की कोचिंग सेंटरों की लूट से जनता को बचाए सरकार, यही मांगों को लेकर के हम निकले हुए हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी मांगों पर सरकार गंभीरता से लेकर इनको पूरा करेगी। धन्यवाद। देखिए बजट के अंदर एक भी भर्ती अनाउंस नहीं की सरकार ने। हमने जब से सड़कों पे दौड़ना चालू किया है पहली बार ऐसा हुआ कि रिप्लाई में मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है, उस पर भी हमने कहा कि ये बताए सरकार कि कब ये भर्तियां होंगी और किस डेट को रिजल्ट आएगा, कब ये ज्वाइनिंग मिलेगी, और निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में मालिक जनता होती है। हमने ये तय किया है कि 200 विधानसभा में जाके मैं सरकार की आत्मा को झकझोरने का प्रयास करूंगा। सरकार को भी शायद लगे कि साहब ये MLA धूल फांकता हुआ घूम रहा है, दौड़ रहा है, तो शायद ये मांगे हैं ये वाजिब हैं। और आज मैं पहली बार जैसे जिन जिन क्षेत्रों के अंदर मैं जा रहा हूँ, पहली सागवाड़ा में पहली बार मेरी जिंदगी में आया हूँ, फिर भी इतनी संख्या में यहाँ पे जवान मौजूद हैं, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये मांगे अकेले बलजीत यादव की नहीं है, ये राजस्थान के 36 कौम के सभी युवाओं की मांग है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है, और राजस्थान के 8 करोड़ जनता की मांग को कोई भी सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती, अगर करेगी तो खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। विधायक जी, हमारा सोचना भारत गांवों का देश है, आप ऐसे शहरों में होकर निकल जाएंगे तो जो आम जनता जो गाँव में बसती है उस बारे में क्या कहना है? नहीं, आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे? नहीं, बिल्कुल पहुँचेंगे यहाँ तक। मुख्यालय के ऊपर हमारे ग्रामीण परिवेश के सब स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, गांव-गांव के लड़के पढ़ रहे हैं, सभी इनसे मिल रहे हैं, जितना संभव हो सके अभी 200 विधानसभा कवर करनी है। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने भी 200 विधानसभा कवर नहीं करी आज तक राजस्थान में, जो 200 के 200 मुख्यालय पर गया हो। हमने एक शुरुआत की, मैं तो एक निर्दलीय MLA हूँ, मेरे पास ना कोई संसाधन है ना कोई संगठन है, आपने देखा होगा मैं मेरे ड्राइवर के साथ अकेला आया हूँ, फिर भी इतनी संख्या में लोग मौजूद हैं। पहले हम ये कवर कर रहे हैं, फिर भी नहीं मानेंगे तो गाँव तक भी जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे।